रोहित सर को आज आप सपोर्ट करना है फैशन में, क्या यू ऑलवेज बीन अ फैशन आइकन, क्या कुछ कहना चाहोगे मैम? डेफिनेटली मैं तो सबको सपोर्ट करने आई हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट करने आई हूँ। ये माइक हटाओ और मुझे देखो, देखो नीचे से, क्या बात है, क्या आग लग रही हूँ मैं, नहीं फ्लावर नहीं फायर में फायर, ये देखो। तो मैं तो क्या नए कपड़े अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, स्टाइलिश दिखती हूँ, सब तो नाम भी कहते हैं मैं फैशन शो देखने आया, मैं ये देखने आया, मैं वो देखने आया, एक्चुअली सब मीडिया को देखने आते हैं और सब लोग मेरी बहन को देखने आते हैं। हाँ मुझे देखने आते हैं और मैं तो एकदम वाह क्या लग रही हूँ मैं आज, मैं अपनी पॉलिश दिखाने आती हूँ, मैं अपना डायमंड दिखाने आती हूँ, मैं अपना मेकअप अपना हेयर अपना कॉस्ट्यूम, मैंने आज नया क्या पहना है, कल से लोग मुझे फॉलो करेंगे ट्रेंड करेंगे, वाह। और सॉरी सॉरी मेरी बहन आज लग रही है सीधा इंटरनेशनल स्टार अरियाना ग्रांडे की तरह, है अरियाना ग्रांडे ना, अरियाना ग्रांडे ग्रांडे अरियाना ग्रांडे, ये कौन है? बहन बहुत बड़ी हॉलीवुड स्टार है, ग्रांडे या फांदे या फंदे, मुझे ये सब कुछ लेना देना नहीं भाई, मैं माफी सावंत हूँ, क्या है क्या क्या नाम लेते हैं, है क्या गांधी भी सरने मुता है, हे भगवान राखी जी आपको गांधे समझ में आपको रैंप वॉक में क्या सरने में आपको रैंप वॉक में देखने मिलेगा आज रैंप वॉक में, आप चाहते हैं कि मैं वॉक करूँ? मैं वॉक करूंगी तो रायता फैल जाएगा, आग लग जाएगी, क्या क्या होगा, मॉडल्स फीके पड़ जाएंगे, मॉडल सब फीके पड़ जाएंगे, यू नो माय अवतार गर्ष ये भाई ये सब पहनने के लिए, ओ माय गॉड आई एम लुकिंग सो हॉट। डेफिनेटली मैं तो बहुत बिजी हूँ, डेफिनेटली हर कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है, अभी मैं हम लोग वेब सीरीज के लिए दुबई चंडीगढ़ और वीडियो के लिए शूट के लिए मैं राजन भाई हम लोग गए थे। राखी जी आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में काफी चर्चा होती है, रिसेंटली एक पॉइंट है कश्मीर फाइल्स की मैं बात करूँ, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या आपने कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है और बॉलीवुड डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, सब पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक दीदी है वो पगला गई है, वो सबको कहती है कि सब बॉलीवुड के पाप धुल गए ऐसे फिल्म आके, कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन दीदी ये क्या आप दूसरों का नाम लेके बहती गंगा में आपके हाथ धो रही है दीदी ना, ओ दीदी आप तो कभी भी कहीं भी घुस जाती है किसी भी के, मान न मान मैं तेरा मेहमान, दीदी क्या है दीदी, हाँ मियाँ खाम खा दीदी क्या है दीदी, कौन से पाप कौन सा धोना आप धो रही हो दीदी, पाप आपने किए हैं, आप अपने पाप कैसे धोएगी दीदी, कैसे क्या कर रही है, रिसेंटली दीदी को क्या हो गया है, दीदी को थोड़ा 440 का झटका लगाओ भैया, क्या कर रही है दीदी वहाँ पे लोकअप में, आप अपना अच्छा दिखाओ ताकि मेरे सलमान खान की तरह अच्छा शो सुपर हिट हो, दीदी ये कहाँ क्या कमेंट कर रही हो दीदी, कहाँ दीदी कहाँ को मैं शांति से बैठती हूँ, आप वापस मेरे को जगा देती हो, दीदी मैं आपको पीछे नहीं पड़ना चाह रही दीदी, आप ऐसा मत बोलो मेरी इंडस्ट्री के लिए, तुम वहीं से आई हो, तुम्हारी रोजी रोटी वहीं से आई है, तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को और मेरी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ फालतू मत बोलो, हर कोई अपना काम करता है, कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है, पूरे देश की जनता उसे देख रही है पसंद कर रही है और सुपरहिट हो भी गई है, तो बस दीदी आप बहती गंगा में हाथ न धोए प्लीज, आप बाथरूम में जाके हाथ धोए नहा भी ले। रिसेंटली एक कॉमेडी टॉक शो में काफी ज्यादा चर्चा हुई इस मूवी को लेके, डबल साइड बहुत चर्चा हुई कि बॉलीवुड ऐसी मूवी को, बॉलीवुड पूरे देश की जनता हर कोई कश्मीर फाइल्स जो है उनको देखे और सराहे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब एक छोटी फिल्म सुपरहिट होती है, मैं भी एक फिल्म बनाने वाली हूँ, मैं भी 2-4 फिल्में बना रही हूँ, वेब सीरीज बना रही हूँ, हमारी भी छोटी बजट की है, तो मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली हमें भी सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरे ब्रदर राकेश ने भी कश्मीर पे फिल्म बनाई थी, हम लोग ने 400 थिएटर में रिलीज करी थी, तो हम लोग ने मुद्दा 370 हम लोगों ने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स की, बट उस टाइम पे हमें हम प्लेटफॉर्म नहीं नहीं अभी की बात है, हम लोग को थिएटर मिले थे यू नो PVR जैसे थिएटर मिले थे, बट हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट हमने कभी किसी को नहीं बोला कि बॉलीवुड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बट हम कभी नहीं बोला कि हमने क्यों नहीं सपोर्ट मिला, नहीं जितना हमसे बनता है हमने रिलीज किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।